कितना पैसा लगा सकेंगे आप एक सुनहरा भविष्य देखने के लिए और उसे पाने के लिए, या फिर यह मौका भी खो देंगे आप और सोचते रहेंगे वह मकान जो आप खरीद ना सके, वह सामान जो आप ले ना सके, और उसी सोच के दायरे में रह जाएंगे। यह शायद आपका आखिरी मौका हो। जरा ध्यान दे, हर 10 साल में एक बार कुछ आविष्कार होता है। 70वें दशक में माइक्रोवेव, 80 में वीसीआर और 90 में कंप्यूटर और इंटरनेट। जिन लोगों ने 80 के दशक का फायदा उठाया वह मिलियनेयर बने, जिन लोगों ने 90 के दशक का फायदा उठाया वह बिलियनेयर बने। अब आप क्या सोचते हैं, क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल जेन पिल्जर का कहना है कि सन 2010 तक 1 ट्रिलियन से अतिरिक्त डॉलर वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जाएगा। यह होगा लोगों को हेल्दी, सुंदर और कम उम्र दिखाने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए। अगर ध्यान से सोचा जाए तो 20 साल पहले वेलनेस इंडस्ट्री का नाम तक न था, और आज जितना अमेरिका में ऑटोमोबाइल पर खर्चा जाता है उससे आधा ऑलरेडी वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जा रहा है, जो कि है 200 बिलियन। 2010 तक 1 ट्रिलियन डॉलर, और वाओ, ये हो गया 1000 बिलियन डॉलर एक साल का। ये है 500% ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है? इसका जवाब है बेबी बूमर्स। पिछले 20 साल से यह देश की इकोनॉमी का भविष्य बताते आ रहे हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम भी इसमें से कुछ कमाएं? बेबी बूमर्स 37 से 55 की उम्र के बीच में हैं। इनकी कमाने की और खर्चने की क्षमता सबसे ज्यादा है। यही बूमर रिस्पॉन्सिबल हैं आज के हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए। शॉर्ट में कहा जाए तो यह चीजें जिन पर बेबी बूमर पैसा लगाते हैं हमारी इकोनॉमी का 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। यह हमारी पॉपुलेशन का 30% ही है, मगर हमारी GNP का 50% है, और अब ये जोड़ने जा रहे हैं और 1 ट्रिलियन डॉलर हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में। यूथ, एंटी एजिंग, हेल्थ, वेलनेस आने वाली जरूरी चीजें हैं। आने वाले 10 सालों में बेबी बूमर्स यह 1 ट्रिलियन डॉलर वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चेंगे। अगर फिगर्स में देखा जाए तो 1 ट्रिलियन डॉलर बाय 2010, 2.7 बिलियन डॉलर्स एवरी डे, 114 मिलियन एवरी आवर, 1.9 मिलियन एवरी मिनट। अनबिलीवेबल मौका है फ्यूचर देख रहे लोगों के लिए। आप इसमें से कैसे कमा सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: प्रैक्टिशनर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, नेचुरल हीलर्स इसमें से कमा पाएंगे अगर वे बाकी के बड़े बड़े खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। यह तो टाइम वर्सेस मनी है, ज्यादा वक्त देंगे ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया बिजनेस है फैक्ट्री, पेटेंट, रिसर्च और शिपिंग के लिए। रिटेलिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फ्रेंचाइज फी दे सकते हैं और एम्प्लॉयज का खर्चा उठा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये वे लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाया पिछले 30 सालों में। जैसे कि वेलमार्ट, फेडेक्स एंड amazon.com। 21वीं सदी के बिलियनेयर नई नई डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी और एडुकेशन देते हैं। यह तेज सोच वालों का बिजनेस है। बेटर प्रोडक्ट, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर अपॉर्चुनिटी।
क्यों? क्योंकि 50 मिलियन बेबी बूमर्स को और 1000 बिलियन कैश को रोका नहीं जा सकता। उनके शौक हैं रोलर स्केटिंग, स्पोर्ट्स कार चलाना, वह उम्र में भी कम दिखना चाहते हैं। वे कुछ भी खर्च सकते हैं यंग दिखने के लिए और भरपूर सेहत के लिए। 10 सालों में ये बेबी बूमर्स खर्चेंगे अबाउट 200 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर वेलनेस इंडस्ट्री पर। क्या आप भी तैयार हैं कुछ कमाने के लिए? जिसने आपको यहाँ आज बुलाया है और आपकी वेलनेस इंडस्ट्री से जान पहचान कराई है, वह इस इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल है और अब आप भी शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम अपने घर से, बिना कोई ज्यादा पैसा लगाए, बिना एम्प्लॉय रखे, बिना रोजाना झंझटों के अपने पार्ट टाइम में यह काम करें, करके कमाएं कुछ पैसे से हजारों तक, और आप पा सकते हैं बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस भी। जरा सोचें, 1982 में बिल गेट्स ने कंप्यूटर एक्सप्लोजन के बारे में सोचा। अब आप क्या सोचते हैं? याद रखिए, मिस्टर वॉल्टन ने वेलमार्ट शुरू की जब वह 44 साल के थे और 61 की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। अब आप क्या सोचते हैं? आपका क्या एक्सक्यूज है? एक चीज तो पक्की है, अगर आपने यह टेप देखी है और थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि आप जानते नहीं थे। आने वाली पीढ़ी के लिए आपके पास क्या जवाब है? आपने यह अपॉर्चुनिटी ली थी या मिस कर दी? यह फिगर सही है, रुझान सही है, वक्त सही है। और कितनी अपॉर्चुनिटीज आपकी झोली में गिरेंगी? आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ी देश के भविष्य को बदल कर रख देगी।